तो है भाई लोग, तो फाइनली हमारा BGMI हो चुका है अनबैन, एंड ये तुमको पता है। और देखो इसके बाद तुमको ये भी पता है प्ले स्टोर में BGMI शो भी कर रहा है, अगर नहीं पता है तो जान लो यार। तो देखो जिनका शो नहीं कर रहा है प्ले स्टोर में अभी भी, तो क्यों नहीं शो कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर अगर तुम डाउनलोड कर भी लेते हो प्ले स्टोर से तो ये क्या वर्थ इट होगा या नहीं होगा, और यहाँ पर सर्वर कब तक ओपन होंगे, सब चीजों के बारे में आज तुमको बात करने वाला हूँ। तो जरूर से देखो, अगर चैनल पे नए हो नहीं तो पुराने भी हो ना, तब भी यार सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इतना अच्छा न्यूज है भाई, तो सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो देखो एज यू नो यहाँ पर 3 महीने के लिए गेम को अनबैन किया गया है, इसके बाद यहाँ पे लास्ट डिसीजन लिया जाएगा यहाँ पर गेम को अनबैन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, बट अभी यहाँ पर मॉनिटरिंग स्टेज पे रहेगा। तो देखो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ये लोग तो कोई मिस्टेक नहीं करने वाले हैं, मुझे तो यही लगता है पर्सनली। तो अभी अगर तुम गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो गेम को डाउनलोड करने के लिए तुमको गूगल पे जाना पड़ेगा, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा BGMI सर्च करने के बाद वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से चले जाओ यहाँ पर, चले जाओ प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर तुमको मिल जाएगा। जिनका शो नहीं कर रहा है तो देखो उनको प्ले स्टोर का क्लियर डाटा कर लेना है। और इसके बाद देखो तुम डाउनलोड तो बहुत इजीली कर सकते हो, बट यहाँ पर तुमको ओल्डर वर्जन मिलेगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर अगर तुम गेम को ओपन भी करते हो, ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा सर्वर तो क्लोज रहेगा ना, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर गेम ओपन नहीं होने वाला है। तो देखो अभी अगर गेम खेलना चाहते हो तो फायदा नहीं है। बाकी यहाँ पर तुम्हारे पास अगर लिमिटेड नेट है देन यहाँ पर जरूर से डाउनलोड करके रख दो, क्योंकि जो अपडेट होगा तब छोटा हो जाएगा, नहीं तो अगर अपडेट प्लस इंस्टॉल करोगे ना तो यहाँ पर काफी ज्यादा साइज बढ़ जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ अगर तुम्हारे पास कम डाटा है तो जरूर से डाउनलोड करके रख दो अभी। और देखो चिंता मत करो, 1-2 दिन के अंदर ही यहाँ पर जो न्यू APK है वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि अभी वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, वो लोग खुद ही बोल रहे हैं भाई हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, तो उसके बाद यहाँ पर तुमको प्ले स्टोर में अपडेट मिल जाएगा आराम से। बाकी गेम का डाटा माइग्रेशन का कोई भी माथा पीछे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेम गेम है जस्ट अनबैन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर रॉयल पास भी इस महीने में स्टार्ट हो जाएंगे, तो सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा जैसा एक गेम होता है। और बाकी जो लोग सोच रहे हो भाई गेम का सर्वर कब ओपन होगा, देखो गेम का सर्वर जब न्यू वाला अपडेट आएगा तभी यहाँ पर गेम का सर्वर भी क्लोज किया जो हुआ है उसको ओपन कर दिया जाएगा। तो टेंशन मत लो यार, यहाँ पर एकदम निश्चिंत रहो, यहाँ पर गेम आ चुका है तो अभी सर्वर भी ओपन हो जाएंगे। और जिनको प्ले स्टोर में यहाँ पर PGMI शो नहीं कर रहा है तो मैंने बोल दिया भाई हमने प्ले स्टोर का क्लियर डाटा कर लो और फोन को रिस्टार्ट मार लो, अगर फिर भी शो नहीं हो रहा है देन यार वेट करो, नहीं तो यहाँ पर PGMI का जो साइट है वहाँ पर देखो ऑफलाइन मतलब उनके साइट से डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से कर लो तुम। और बाकी यहाँ पर मैं फिर से बोल देता हूँ डाउनलोड कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा, बट यहाँ पर जिनका लिमिटेड डाटा मिलता है तो उनको जरूर से फायदा होगा, बाकी जिनका अनलिमिटेड डाटा होता है तो उनका कोई फायदा नहीं है, तो उनको अभी डाउनलोड करने का कोई भी जरूरत नहीं है, तो तुम लोग डाउनलोड मत करो। और जितना यहाँ पर अभी सोचा जा रहा है 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर गेम का न्यू अपडेट आ जाएगा एंड यहाँ पर तुमको सर्वर भी ओपन हुआ मिल जाएगा। तो देखो टेंशन तो मत लो, यहाँ पर गेम तो जरूर से आ रहा है एंड यहाँ पर सर्वर भी जरूर से ओपन हो रहा है 1-2 दिन के अंदर ही। और बाकी न्यू वाले अपडेट के साथ बहुत ही